दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिफेंस एक्सपो 2020 में F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट इंडिया आया। ये एक सुपर एडवांस्ड अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन आप सब ये नहीं जानते होंगे कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया क्यों आया या अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट इंडिया क्यों भेजा। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डिफेंस एक्सपो 2020 में और भी सारे अमेरिकन वेपन सिस्टम्स इंडिया आए थे। F-35 अमेरिका का एक सुपर एडवांस्ड और सुपर सीक्रेटिव एयरक्राफ्ट है। बहुत समय तक अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट किसी भी और कंट्री को भेजने से इनकार कर दिया था। बाद में सिर्फ उसने अपने खास देशों यानी कि अपने एलाइड देशों को ही भेजने का फैसला लिया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट इंडिया क्यों आया और ये एयरक्राफ्ट इतना ताकतवर क्यों है और अमेरिका हमें वेपन्स भेजने के लिए इतना उतावला क्यों है। इसके साथ ही हम F-35 फाइटर जेट की कुछ खूबियां और खामियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। F-35 जॉइंट फाइटर जेट अमेरिका की एयरफोर्स, US मरीन्स और US की नेवी तीनों यूज़ करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि F-35 के इंडिया आने के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया इंडिया का टॉप वेपन सेलर रहा है और अभी अमेरिका ने रशिया के साथ इंडिया को वेपन्स भेजने के लिए कम्पीट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स इंडिया को ऑफर किए थे। इंडिया अपने 90% वेपन्स रशिया से खरीदता है और अमेरिका रशिया की इंडिया की डिफेंस वेपन्स परचेसेस के ऊपर हुई मोनोपोली को ब्रेक करना चाहता है और चाहता है कि इंडिया भी अमेरिका से और ज़्यादा वेपन्स खरीदे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से इंडिया ने सिर्फ $377 मिलियन के वेपन से खरीदे थे, वहीं रशिया से खरीदे गए वेपन्स की फिगर बिलियंस में थी। अभी इंडिया अपने 90% से ज़्यादा वेपन सिस्टम्स इंपोर्ट करता है तो अमेरिका इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। तो F-35 और अपने और वेपन सिस्टम्स को इंडिया के डिफेंस एक्सपो में भेजना अमेरिका की इंडिया को वेपन्स भेजने की एक मार्केटिंग टेक्निक हो सकती है। इसके साथ ही एक कारण और है कि हाल ही में खबर आई थी कि अगर इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से ना खरीदे तो अमेरिका अपना F-35 इंडिया को बेच सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम्स की डील इंडिया ने रशिया के साथ साइन की थी। इसमें इंडिया ने रशिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खरीदे थे। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि इंडिया किसी भी तरीके से रशिया से कोई भी वेपन सिस्टम्स ना खरीदे और उसने S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी रोकने की बहुत कोशिश की। S-400 के बदल के तौर पर अमेरिका ने इंडिया को अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया था, लेकिन इंडिया को वो पसंद नहीं आया और इंडिया अमेरिका के विरोध के बावजूद S-400 की सेल के लिए आगे बढ़ा। तो F-35 को इंडिया भेजने का एक मकसद इंडिया को S-400 को खरीदने से रोकने का आखिरी एक बदल हो सकता है। इसके साथ ही एक कारण ये भी हो सकता है कि लॉकहीड मार्टिन अपना F-35 सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट इंडिया के डिफेंस एक्सपो में भेजकर अपने F-21 फाइटर जेट के लिए पिच कर रहा हो। लॉकहीड मार्टिन ने अपना F-21 फाइटर जेट इंडिया के MMRCA 2.0 टेंडर के लिए पेश किया है। ये फाइटर जेट F-16 के एक अपग्रेड वर्जन के तौर पर मार्केट किया जा रहा है, जिसका लॉकहीड मार्टिन ने एक नया नाम F-21 फाइटर जेट रखा है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि F-21 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये सिर्फ F-16 का एक नया ब्लॉक वेरिएंट है जिसमें F-16 से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि F-21 फाइटर जेट अभी सिर्फ पेपर पर है, यानी कि इसका मेंशन अभी तक सिर्फ पेपर्स पर ही है और इसका कोई भी प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है। लॉकहीड मार्टिन इंडिया को अपना फाइट जेट बेचने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के लिए लॉकहीड मार्टिन ने F-35 फाइटर जेट इंडिया में भेजा हो सकता है। तो अभी थोड़ा लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिससे कि ग्राउंड अटैक और एयर सुपीरियरिटी मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस एयरक्राफ्ट को लॉकहीड मार्टिन और उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि नॉर्थरॉप ग्रुमन, प्रैट एंड विटनी और बे सिस्टम्स ने डेवलप किया है। F-35 के 3 मेन वेरिएंट्स हैं, एक कन्वेंशनल टेक ऑफ लैंडिंग F-35A और एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग F-35B और एक कैरियर बेस्ड F-35C।
यूनाइटेड किंगडम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क और नेदरलैंड्स ने इस प्रोग्राम को अमेरिका के साथ फंड किया है और ये सभी कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट को खरीद रही हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। ये एक पूरी तरह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। F-35 में एक वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ का फीचर है, यानी कि इसे लॉन्च करने के लिए किसी एयरफील्ड की जरूरत नहीं है। ये एक ही जगह पर खड़ा ही ऊपर को उड़ान भर सकता है और इसी तरह नीचे भी उतर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी आपने इंडियन नेवी के सी हैरियर फाइटर जेट्स में देखी होगी, जिसे कि इंडियन नेवी अपने कैरियर से ऑपरेट करती रही थी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स, एवियोनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड इंजन्स भी हैं। तो ये तो हो गए इसकी फीचर्स। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से ही इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये एयरक्राफ्ट और इसकी डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा महंगी है और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट अपने मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अभी भी ये एयरक्राफ्ट अपने कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है। पिछले कुछ समय में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिससे इस एयरक्राफ्ट की कमियों का पता चलता है। इन घटनाओं में इसका फ्लैट टायर हो जाना, यानी कि इसके टायर की हवा निकल जाना या उसका फट जाना, और हेलमेट डिस्प्ले के ऊपर एक ग्रीन ग्लो आ जाना जिसके कारण एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, और इसकी सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी का ख़त्म हो जाना। लेकिन इसके बहुत सारे इश्यूज़ को US एयरफोर्स और लॉकहीड मार्टिन ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। जैसे कि F-35 कोल्ड वेदर कंडीशंस में ये शो कर सकता है कि उसकी बैटरी फेल हो चुकी है। इसी प्रॉब्लम के कारण इसके बहुत सारे मिशंस को अबॉर्ट करना पड़ा था। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये एयरक्राफ्ट गर्म मौसम में ऑपरेट करता है तो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट के पुराने इंजन कई बार नेसेसरी थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। इसके साथ ही कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आई हैं कि कॉकपिट के कैबिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पायलट के कानों में दर्द होने लग जाता है। इसकी अगली एक प्रॉब्लम एक रिटायर्ड फाइटर पायलट ने बताई थी। उसका कहना था कि कई केसेस में मनूवर्स करते वक्त ऐसा लगता है कि F-35B और F-35C के पायलट्स फाइटर की पिच, रोल और यॉक को फुली कंट्रोल नहीं कर पाते। US मिलिट्री ने खुद माना है कि ये एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अभी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट किए गए हैं और ये सिर्फ एक वाइट एलिफेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।